वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। टुडे आम डिस्कसन करने किसी ओडिया पेडागोजी किसी प्राक्ट क्वेश्चन नहीं आसी जोटा कि आप आज प्राक्ट करूँ किसी किसी क्वेश्चन देखिए आप एग्जाम बेलू बहुत सारा क्वेश्चन आपण मैंने कौन प्राक्ट कर सारी ठीक अच्छे। पूर्व आपड़ी मो चेल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करना पाखे थे बेल आइकन को प्रेस करना जहाँफल कि आम भिडियो प्रथम नोटिकेसन आपखे पहुँच पार चलत देखा। देखो प्रथम क्वेश्चन आसला भाषार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी चारोटी पांचोटी नौटी ना दुईटी ये आम अलरेडी डिस्कसन करे भाषार सर्वनिम्न दक्षता होउछे आमर चारोटी जोटा आम कही था एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा कौन रही है नेक्स्ट देखो आसला प्राथमिक स्तर रे भाषा उपर पाठ्यक्रम केते गुरुत्व दि जाएगी एटा भी मुझे अलरेडी आपण मानक सहित डिस्कसन करी 30% 40% 50% ना 60% तो आर राइट आंसर कौन हम ना 40% ठीक अच्छे। प्रथम श्रेणी जो सिलेबस रही 40% से मानने मदर टंग भाषा उपर लांगुएज उपरे गुरुत्व देवाई कहुच्छे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो आसला शिशुर क्यों प्रवृत्ति लिखन में सहायक हुए अनुकरण करवा हसवा कांदा ना शोवा आर राइट आंसर कौन हम अनुकरण करवा अनुकरण पिलार लिखन में सहायक होता है। नेक्स्ट देखा कौन रही शिशुटी जन्म होगा पर क्यों दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे जो शिशुटी जन्म है क्वेश्चन आसे शिशुटी जो जन्म है तार क्यों दक्षताटा मानने अर्जन प्रथम क्यों दक्षताटा तार अर्जन करा चेष्टा करे क्यों दक्षताटा क्यों स्किलटा तार प्रथम से शिखे हसवा कांदा शुणा ना खेल तार राइट आंसर कौन हम ना शुणा जेहेतु कही एल एस आर डब्ल्यू आर अर्डर मन रखिए कारण पचार दिए प्रथम दक्षता हूँ शुणा लिसनिंग द्वितीय हूँ स्पीकिंग कहवा थर्ड हूँ रीडिंग पढ़ा फोर्थ हूँ राइटिंग लिखा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा वर्तमान विद्यालय मानक चलुवा पाठ्यपुस्तक क्यों आधार रे प्रस्तुत वर्तमान जो विद्यालय आम चली पाठ्यपुस्तक से क्यों आधार रे प्रस्तुत करा कर तो ऑप्शन कहला 1986 जातीय शिक्षा आईन ना परिवर्तित जातीय शिक्षा आईन 1992 ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2000 आर राइट आंसर कौन हम जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 आम जोटा कि कही था एनसीएफ 2005 तो एनसीएफ 2005 उपर मु गोटे वीडियो बनई थी जो मैंने वीडियो देखी ना जाकिना ता विषय डिटेल्स देखी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा कौन रही ना हस्ताक्षर लिखा क्यों दक्षतार अंतर्गत शुणा लिखा देखा कहवा तो हस्ताक्षर लिखा ये आपने अलरेडी जा सारे लिखा अंतर्गत तो बेले बेले पलि आसे जो हस्ताक्षर लिखा यहाँ मन रखिथे दृष्ट लिखन अंतर्गत ठीक अच्छे देखिकर लिखा। नेक्स्ट आसला देखो धारणार बोधगम्यता कहा सहित जड़ित यहाँ भी मुझे अलरेडी डिस्कसन करी शुणा कहवा पढ़वा ना बुझा धारणार बोधगम्यता कहले बुझा सहित रिलेटेड पिला जोटा कह आम जोटा शुणुचे कहचे पढ़ुचे ताकू जदि आम न बुझे तो किसी लाभ ना ठीक अच्छे। तो धारणार बोधगम्यता कहले बुझा सहित रिलेटेड। नेक्स्ट देखा कौन रही नेक्स्ट आसला देखो एनसीएफ 2005 बा एनसीएफ 5 रो पूरा नाम कौन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फॉर फॉरेन लैंग्वेज ना नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशन ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला देखु साधारणतः भाषार केतोटी रूप रही गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी तो भाषार केतोटी रूप रही मन रखिए दुईटी कौन कौन ना भाषार दुईटी रूप रही गोटे हूँ लिखित रूप गोटे हूँ कथित रूप गोटे आम जोटा कहे गोटे कह मान कथित रूप गोटे आम लिखिकी भी प्रकाश करसप्रेस कर लिखन मध्यम तो सीटा हूँ आम लिखित रूप ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला देखो स्वशिक्षण क्या कहा जाए
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖିବା ନା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଦେଇ ପଢ଼ି ବୁଝି ଶିଖିବା ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା ତ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହେବ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଜେ ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନରେ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ